ठीक है, बिले और बिलाए आप समझ गए। ठीक है, क्या होता है बिले, क्या बिलाए पर सॉल्यूशन बिलेन भी समझ गए। दो या दो से अधिक पदार्थों के समन्वय मिश्रण को बिलेन कहते हैं। इसमें जो चीनी है वो बिले का कर रहा है, पानी बिलाय का कर रहा है। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट एक्शन और नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता लिखो। एडिंग लिखो, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित घुले हुए, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं, उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं, उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला लिख लो, कैपिटल एन यानी कि नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता किससे करते हैं एन से, नॉर्मलता इक्वल विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर, बटे विलयन का आयतन लीटर। नीचे लिख लेंगे, समझ रहे मानसी, जब आयतन ना दिया हो तो, क्या लिखेंगे, जब आयतन ना दिया हो तो, तब सूत्र लगा देंगे नॉर्मलता बराबर सांद्रता बटे तुल्यांकी भार, सांद्रता बटे तुल्यांकी भार। ठीक है, सांद्रता बटे तुल्यांकी भार। आपको बता रहे नॉर्मलता को हम लोग एन से डिफाइन करते हैं, सांद्रता को एस से, तुल्यांकी भार को ई से। लिख लो, एन बराबर एस अपॉन ई, एस है तो सांद्रता, ई है तुल्यांकी भार। नोट कर लो इसको जल्दी से, हम रोक दें।